अंकल जी एक सिगरेट की डिब्बी दे दियो। जी लो 90 रुपए। 90 रुपए पैसे कल ले लियो। कल? कल का कोई मतलब नहीं है, अभी पैसे तो उधार नहीं मिलेगा। अरे अंकल जी कल ले लियो, पैसा बहुत है। अरे कल ले लियो, कल ले लियो, निकल यहाँ से, बहुत आते हैं तेरे जैसे भिखारी। भिखारी समझ रहे, पैसा बहुत है। भैया एक दूध का पैकेट दे दो, एक बिस्कुट दे दो और एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं भैया, पैसे लिख लेना, पैसे पापा दे जाएंगे। अंकल जी आप सामान पैक कीजिए, मैं अभी आता हूँ। मेरी स्कूटी कहाँ गई? मेरी स्कूटी। भैया आपने मेरी स्कूटी देखी? नहीं। मुझे लगता है वो पागल ले गया। भैया आप मुझे अपनी साइकिल दे दो, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा से ला दिया तूने मेरे प्यार का, स्कूटी? ये तो मेरी स्कूटी है। Oh no! यार नहीं मुश्किल है। क्यों है पागल? मेरी स्कूटी ले आया था। हाँ बेटा ये गाड़ी हमारी है। ये तेरी स्कूटी कहाँ है? ये तो मेरी स्कूटी है। अरे भाई साहब ये तो वो मुझे रोड पे डली मिली है, कोई भला आदमी छोड़ गया इसे। अबे भिखारी ये मेरी स्कूटी है, समझा? तुम्हारी स्कूटी है तो ले जाओ, हमसे क्या बात कर रहे हो। हेलो, हाँ पापा आ रहे हैं, वो थोड़ा काम से फंस गए थे हम। हाँ बस हो गया, हम आ रहे हैं। हाँ बस निकल ही रहे हैं यहाँ से। ठीक ठीक ओके, ठीक 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 ओके। हे भगवान, आज मेरा दिन ही खराब है, इस भिखारी ने तो दिमाग ही खराब करके रख दिया। भैया मेरी स्कूटी तो मिल गई, लेकिन वो आपकी साइकिल ले गया। फिर ऐसा करते हैं, आप मेरी तब तक स्कूटी रख लो, साइकिल मिल जाएगी मैं आपको साइकिल दे जाऊंगा, स्कूटी ले जाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं मिली तो पैसे ले लूँगा। ठीक 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 ओके। अच्छा चल 25 ही दे देना। अबे नई गाड़ी मिल रही है तुझे, अभी शोरूम से आई है। भाई किससे बात कर रहा है तू? तुझे दिख रहा नहीं है 6 फुट का लौंडा खड़ा है यहाँ? यहाँ पर तो कोई नहीं है। तुझे नहीं दिख रहा? नहीं कोई भी नहीं है। तो अबे तू निकल यहाँ से। अरे ये साइकिल तो मेरी है। अरे ये मेरी साइकिल है। अरे भाई क्यों परेशान कर रहा है मुझे? तुझे 2 दिन से ढूंढते ढूंढते मेरी चप्पल तक घिस गई है, पता है तुझे? तो क्यों ढूंढ रहा है मुझे तू? अरे भाई क्यों परेशान कर रहा है मुझे? स्कूटी लेके गया तो 500 रुपए ले लिए, फिर भी तू मेरी साइकिल लेके भाग गया। भाई साहब क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी थोड़ी ना। मेरी नहीं है तो किसकी है? तू खरीद के लाया क्या? अरे भाई साहब ब्रांड न्यू है, शोरूम से खरीद के लेके आया हूँ। शोरूम से? अबे साले 100 साल पुरानी है ये। अबे चल हट उधर यार। अरे भाई साहब सुनो तो, उस दिन तुम स्कूटी लेने आए थे तो उस टाइम एक कोई भला आदमी ये छोड़ गया था, इसलिए मैं इसे ले आया। अबे वो आदमी मैं ही तो था, उस दिन दुकान वाले अंकल से मांग के लेके आया था मैं इसे, तू मेरी स्कूटी लेकर चला आया था। अच्छा तो ये आपकी है? अबे और तब से मैं क्या चिल्ला रहा हूँ। अरे भाई साहब 50 रुपए दे दो, मैं इसे बेच रहा हूँ। अरे किस बात के रुपए, ये तो मेरी है। 25 रुपए दे दो, भूख लग रही है। अबे काय बात के 25 रुपए, चला उधर। आदमी से बात करने की तमीज नहीं है, भारी समझ रखा है। पतले पानी से भी पतली चट्टी होगी। मैं मकान खरीद लूंगा, तुझे भी खरीद लूंगा, तेरी चड्डी को भी खरीद लूंगा, भिखारी बना दूंगा भिखारी। ये लो भाई अपनी साइकिल, और दे के रहना, कहीं वो भिखारी फिर दोबारा नहीं ले जाए। हेलो क्या?
पापा की तबीयत खराब हो गई। रुको रुको अभी मैं आता हूँ, 10 मिनट में आता हूँ। अबे भाई पापा की तबीयत खराब है यार, 50,000 रुपये मिल जाते। हाँ ब्याज पर ही दिलवा दे यार। क्या नहीं हो पाएगा? ठीक है कोई बात नहीं। हाँ शिवा भाई यार 50,000 रुपये मिल जाते यार। हाँ ब्याज पर ही मिल जाते। अरे वो पापा की तबीयत खराब है ना। चल ठीक कोई बात नहीं। क्या हुआ भाई? अरे जा यार दिमाग खराब मत कर, बड़ा परेशान लग रहा है। हाँ मैं यार परेशान हूँ, तू जा यहाँ से, तू कुछ नहीं कर सकता। अरे मैंने सुना है तेरे पापा की तबीयत खराब है। हाँ पापा की तबीयत खराब है। अरे भाई कोई किसी की मदद नहीं करता है, सारी मतलबी दुनिया है ये, कोई किसी का अपना नहीं होता है। इतने पैसों की जरूरत है पापा के लिए? तू क्या करेगा यार जानकर, तू कोई मदद नहीं कर सकता। अरे तू बता तो यार, पैसा बहुत है, मुझे 50,000 रुपये की जरूरत है। ठीक है तू 10 मिनट यहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है। अरे तू कहाँ जा रहा है? रुको अभी आ रहा हूँ। अबे यार जे और भिखारी आ गया, जे और दिमाग खराब करेगा, पता नहीं किसकी स्कूटी उठा लाया। भाई सुन तो। अरे जा यार तू क्या मेरी मदद करेगा? अरे सुन तो कम से कम। अरे जा यार भाई। अरे सुन ले भाई। हाँ बोल क्या है? भाई मैंने तेरे से बोला था ना पैसा बहुत है। तेरे पास पैसा कहाँ है? तू फिर किसी की स्कूटी उठा लाया? भाई मेरी बात सुन, मैं तुझे अपनी कहानी बताता हूँ। भाई अपनी जिंदगी में पैसा मैंने बहुत कमाया, लेकिन अपने परिवार वालों का कभी समय नहीं दिया। मेरे परिवार में सब लोग थे, माँ पापा भैया बहन। एक दिन वो घूमने गए पर मैं उनके साथ नहीं गया, और उसी सफर में उनका एक्सीडेंट हो गया, और उसी दिन से मैंने ऐसी हालत बना रखी है। उस टाइम अगर मैं भी उनके साथ होता तो आज मैं दुनिया में नहीं। उस दिन से पता चला कि ज़िंदगी में पैसों से ज़्यादा रिश्तों की अहमियत होती है, और मैं उतना ही चुराता हूँ जितना मैं खा सकूँ। मुझे पता चला है तेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है और तुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। 50,000 तो मेरे पास नहीं है, ये स्कूटी की चाबी है, इससे 50,000 तो नहीं मिलेंगे, कम से कम 20-30 हज़ार की तो बिकी जाएगी। और ये मेरा फ़ोन है, और ये मेरा कुछ ज़रूरी सामान है, इसे बेचकर तेरे पापा का इलाज ठीक से हो जाएगा। भाई यार बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मेरी इतनी मदद की। अरे चल हट, भिखारियों से मैं गले नहीं लगता। भाई यार ले जा अपने पापा का इलाज करा ले। भाई यार तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मैं तेरा ये सारा पैसा लौटा दूंगा। अरे चल जा भिखारी, तू क्या लौटा रहेगा? अरे जल्दी जा, नहीं तो पापा की तबीयत खराब हो जाएगी। थैंक यू भाई यार। दुनिया में सब पैसों के पीछे भागते हैं, रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं रही।